साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के बीच मैं यह बताने के लिए कि कल एक सांख्यिकी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बहुत सारे लोगों को गालियां दी जा रही थी यूट्यूब चैनल पर, और उनके द्वारा यह पूछा जा रहा था कि उनसे पूछना नाम लेकर कि सांख्यिकी विभाग कहाँ है उनको मालूम है। तो मैं उनको यह बता दूँ कि सांख्यिकी निदेशालय पहले पुनाईचक में हुआ करता था, और अब वह 2017-18 से जब बिल्डिंग तैयार हो गई सचिवालय के अंदर, तो निदेशालय जो है सचिवालय परिसर के अंदर हो गया। और मुख्यमंत्री सचिवालय की बात हो रही थी, तो मुख्यमंत्री सचिवालय जो है मुख्यमंत्री आवास से ठीक 10 कदम आगे पर है, और बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही जा रही थी और गालियाँ दी जा रही थी। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर दिसंबर में नहीं होता है तो एक सांख्यिकी न्याय यात्रा निकाली जाएगी, तो अच्छी बात है। और कहा जा रहा था कि चौधरी कमेटी में, उनके द्वारा यह कहा भी जा रहा था कि चौधरी कमेटी में हमने रखवाया, तो ये बात मैं कह दूं कि मैंने रखवाया और भी लोग कह दें कि मैंने रखवाया, तो अलग की बात है। लेकिन हमें काम होने से मतलब है, ASB को काम होने से मतलब है, किसने रखवाया क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम होना चाहिए, बस हमारा वही उद्देश्य, हमारा यही लक्ष्य है। और मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि सांख्यिकी को जो बहुमूल्य समय उन्होंने दिया है वह आज तक किसी नेता ने नहीं दिया, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन इस तरह की गाली और इस तरह की भाषा जो उनके तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी यह बिल्कुल गलत है। और मैं यह बता दूँ कि मेरे वीडियो में कल मैंने 3 जनवरी की 3 तारीख बोल दिया था, तो वह गलत से मेरे द्वारा बोल दिया गया था, जो होना होगा इसी महीने में होगा, और इस बात को वह प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि इस महीने में जो होना होगा होगा, नहीं तो वह जनवरी की बात कर रहे थे सांख्यिकी यात्रा निकालने की, तो वह जनवरी क्यों कह रहे हैं, उन्हें भी यह मालूम है कि इस महीना में अगर टलता है मामला हमारा तब जनवरी में हम सांख्यिकी यात्रा निकालेंगे, नई यात्रा तो अगर टलता है तब, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि इसी महीने में 1-2-3